सभी दर्शकों को ऋषिपाल दौंड का नमस्कार। दोस्तों, हमने पहले वाली वीडियो में दिखाई, जो आदमियों ने बताई, पूरे परिवार ने बताई ममता बेटी की रूपरेखा, और उनकी माता है, उनकी आंटी है, उनकी बहन है, पूरा परिवार बैठा है, और कुछ औरतें जो बुआ हैं, काकी ताई हैं, आसपास की आ रही हैं, और कुछ रिश्तेदार भी, और हमारे साथ जुड़ी है ममता की माँ। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे बेटी आया जा कर दीदी, वो आपको दुख बताया कर दी, अभी इसने वो मांग करी है, वो करी हाँ, है। बताया कर दी, फिर ज्यादा नुकंदी माँ नुकंदी तो आई बेटी तना नु करे है बेटी नुकंदी माँ गणी ना कब मेरा टेंशन हो जाए है। मेरी बेटी का टेंशन भी होती, वो ठाठा भी ले जाते, सारी सुननी हो जाती सुनी हो जाती। उसका तो एक ही था जी, आगे बेटा जवान हो जाएगा और तन्ना सुख हो जाएगा। मन कहा बेटी 20 वर्ष भी रख लूंगी मैं, तेरा बेटा जवान हो जब चली जाइये, फिर बेटी का मन दूर कौन होया उड़ता है भी। फिर मेरे भी नहीं होगी भी, जवान बेटी है, बेटी की जवानी सांसरई में कटा कर, पीर में नहीं कटा कर दी, चलिया कब है तो बेटी दुख सुख पा कर जिंदगी पास होया कर है। कदे दुख सहतना कदे सुख भी हो जाएगा बेटी के, सदाए दुख देवेंगे वह। मान गई थी बेटी इस बात। बेटी फोन फान नहीं ले रही थी, दे नहीं रखा था, मारते भी नहीं देने दिया, आने वाले देने मतलब को नहीं आपने मना कर दिया, फोन ना हाँ, फोन नहीं कहीं परिवार से ना बताए कुछ बात। हाँ, आड़ा जंदी 6-7 महीने मान दिया कर दे, उस तो पहले आने नहीं दिया कर, आने नहीं दिया कर दे। और कई दिन के लिए आकर दी बेटी? 5-4 दिन के। अरे इतनी करड़ी कर का गाला करता बटे, जैसे आ करती तो आपने यहाँ कहा है नहीं, उसको बटेऊ को भी परिवार को भी खूब कहा। अब मेरी बेटी बटेऊ तो ही मनानी भी कहा बेटा, जब मैं बन गई ना कहानी इतना बक्सा नहीं गई, पहले तू घर अगर तेरा ढूंढ उजाड़ेंगे बेटा, वो छोड़े को नहीं। फिर उन्होंने जवाब में क्या कहा जी? कुछ भी नहीं, वो बोलने नहीं जानता, वो बोलने नहीं जानता, वो बोलने जाने तो मेरी बेटी का गलत यो काम हो ही को नहीं। अच्छा, एक जिसने हमने सुनी थी, जिसने रिश्ता करा उनको भी नहीं बोलने दे, नहीं बोलने दे दे मनानी कहा मखा बोला इसकी बुआ के छोरे गलत है इसका गला। अच्छा, मतलब उल्टी तो मत ला दे। हाँ। तो उल्टा चोर को बुआ का छोरा ने बोला मामी मैं सिर्फ 2 बार आया हूँ। हाँ। 1 साल बयान होया था जब वही थी मारी बात, साल हाँ पाछा तो बोलना बंद करवा दिया था उनका। उन्होंने तो इसलिए करा ने, इस घर की बात वहाँ ना बताओ, इसलिए करा जब फोन पर भी पाबंदी लगा दी और आसपास में बोलने दिया कर दे। नहीं नहीं, किसी के साथ नहीं बात, किसी के साथ नहीं। सागी पी तसरा था उसका, जो इस तरह सामना घर है न्यू था। अच्छा जी। उसका उनका भी घर आऊंगा खूब आंदे जाते। हाँ। या नहीं जावेगी। अच्छा। फिर उसकी एन कार्ड बताया उसका ससुरा पंचायत लेकर 2-4 मनसा ने मनान्यो कया मखा चौधरी सारा परिवार जावा ही इसका पित्त सर का, मेरी बेटी इसका पित्त सर का भी जा सकती, वो इसकी पाबंदी और सारे जावे है। फिर उसका ससुराल ने बोला चलो उसका जावेगी जावेगी क्यों ना, उनका तो वारी सवेरी कुआं चली जाती, मनु कंदी बेटी कर टाइम पास है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब भी सासू गल्ला जाती या कदे इनती की मैं बात नहीं कह दे। फिर वो बेटी की ससुराल थी जी या कैद थी? वाह, कैद थी मेरी बेटी। आप क्या लगो जी ममता की? आंटी। आंटी लगो आपको? आप बता करती अगर आंटी जी मेरे को ये दुख हो रहा है कभी आपको आने का, बता करती? हाँ, बता कर दी ये सारी बातें। हाँ। भाई इतना ना जाए तंग कर जा रहा है किसी के। हाँ। बोलने दें दे नहीं, चलने दें दे नहीं। हाँ, मेरी गली के सब न बेरा है, मेरी गली सब न बेरा। दो पंचायत आई थी मैं लको का बात को न रखा कर दी, रुक के मार का कहा करो मेरी गली में किसी ने पूछ ले सब न बेरा, चलो अड़ोसी पड़ोसी है दूर के हूँ ना तो ईसाई बेरा हुआ है मेरी गली के किसी मन से न पूछ। एक हमने सुना था ये भी कहा करते भाई साबुन की जरूरत है। हाँ, घर से ले। हाँ, साबुन बड़ी। हाँ। जेठानी है उसकी। हाँ। वह तो झाड़ू निकाल लगी तो फूल झाड़ू है उसके लिए। अच्छा जी। फूल सारा सौदा है। अच्छा जी। अगर मेरी बेटी झाड़ू निकाल लगी तो और झाड़ू है, तने यू में लगा इस गेल निकालना है, चाहे 12 बजे लग लकड़ो यू, चाहे 1 बजे लग लकड़ो, तू कासन मान जाएगी तो राख गल मान जाएगी, और वह काशन मान जाएगी तो साबुन गिल्ला मान जाएगी। फिर कैसे घर बसेगा जब इतना फर्क हो गया? तू कपड़े धोएगी तो सारा परिवार के धोएगी, या कपड़े धोएगी तो ना तेरे बटेऊ के धोएगी, ना तेरे छोरे के धोएगी, ना तेरे धोएगी। आप जी जैसे अंतिम संस्कार पर गई तो आपने कोई निशान नशून मिला बेटी का? अंतिम संस्कार पर मैं गई जब उसकी डॉक्टरी बन ली थी, पहले मैं जाऊँ थी जान नहीं दे। अच्छा। यो पड़ोस में जेठ का लड़का है यू गया था। अच्छा जी। यो ने कथा का कि सारा तो यू हाथ लीला हो रहा था, यो पांस सूझ रहा था। हाँ, पूरा पांस ही खा रहा था। हाँ जी। यो गुठा लीला हो रहा था सारा गुठा न्यू मसूड़े उड़ा था। अगर मेरी बेटी फांसी खावेगी ना है। हाँ जी। कुछ तो दिक्कत आंधी होगी फांसी खाने। हाँ, बिल्कुल आओगी। प्रशासन ने भी बेरा है। हाँ जी, हाँ जी। प्रशासन ने ना हाथ जोड़ का कहूँ नजर आता इनकार ना करियो मेरी बेटी का, न्याय दिला दियो,
उसका मुंह में भी किमे आवगा, नाक में भी आवगा, मुंह में नहीं आवगा तो आंख में भी आवगा, जरूर होगा, फसियाले का होता है, बाथरूम लैटरिंग में भी। मेरी बेटी नो के नो थी, को थूक नहीं, कोई लाल नहीं, कोई लैटरिंग नहीं मेरी बेटी, वो तो मतलब ऐसे लुटा रखी थी जैसे आम सू। हाँ अच्छा, चुन्नी का लत्ता का फांसी खाओगी तो बटड़ा होगा लत्ता। हाँ जी हाँ जी, ऐसे होगा। हाँ जी, ऊपर तक भी करड़ा होगा। हाँ जी, पंखा भी किते तो गमोड़ खाओगा। 60 किलो वजन था मेरी बेटी में, थोड़ा 60 किलो लंबी ठाडी थी। और भी कोई लेडीज बेटी जो गई हो वहाँ पर उस टाइम में? आपने कैसी शिकल देखी बेटिया की जब गई? बेटी अजी फांसी खा रही होंगी तो वह लाकड़ वर्गी हो जाती, जीभ लिकड़ी, बैग काना मगो खून आंदा, उसका कोई निशान नहीं था। उन दो निशान दक कर रखे हार्ड नेट पे, इसी चीज गिर रखी जिसे उपर जेनू गिरने दवाई पानी कुछ भी गिर उन, और गुठे पे निशान था, एक पैर में सोई थी, और हम जुकर दाग पे गए, ये हमारे आदमी गए, जब तो उन टूम भी काट ली थी उसकी, टूम भी काट, हाँ, गले में, नाक में, कान में देखी है, टूम का नंगी बुच्ची बना रखी थी। जैसे अपने भाई भूई जाते थे जब बताया करती मेरे साथ ये दुख है वहाँ, उसका टेंशन हो जाती, वहाँ कुछ नहीं करती, टेंशन उसका इतनी हो जाती, यानी बिल्कुल पागल हो रही थी, पागल बना रखी थी। जिस तरह उसने आड़ कदम धर दिया ना तो सारा कुणबा उसका गेल भों 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 भों, मेरी बेटी टेंशन करके देखा देखा ले आकर दे या लाती वो वेशक नाट जाओ, वह क्यों नाटेंगे, वह तो न्यू भी कहेंगे हमने कुछ नहीं करे, फलान दकड़वा न्यू करे आकर दीवा न्यू करे आकर दीना, सब कुछ कहेंगे। इब गाम राम नु भी सुनिए है नू कवा हवा तो लट्ठाई रा कर दी, वह लट्ठाई रा कर दी, लट्ठा वाली फांसी क्यों खाएगी, वह फांसी क्यों खाएगी, वह उन मारे को नहीं। मेरी बेटी धार काट दी, सामर दी सोमर दी, जब भी उसकी सासू का जी मार जाती, जब भी बाल पकड़ कर फेट दें दी, मार दें दी। और मेरा गक्का वह उसकी सासू में तो मारा करूँ जो इधर। अच्छा, तन्नन को अपने छोरे के मारे हैं, इतनी पूछने का मौका को नहीं मिला चौधरी, इतनी बताने को नहीं, इसका गेला मेरी शुरू शुरू में बता। दोस्तों ये सुनाई हमने ममता की जो दुख भरी दास्तान थी। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ पेटवार से टोरा दून के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।